बात बताइए कि 25,000 रुपए की कोई चीज अगर होती है तो 50,000 रुपए देती है। अब भाई ये बताइए कि 25,000 रुपए देती है तो ज्यादा देती है कि कम देती है? तो उसका मानना है कि ये ज्यादा ही देती है। आप कितनी अच्छी तरीके की सड़कें देख रहे हैं आप, मतलब देखिए ये कितनी अच्छी है। मैं आपको फ्लैश लाइट जला के दिखाता हूँ कि इतनी अच्छी सड़कों पे जो है आवागमन हो रहा है। ये लाइट देखिए बहुत अच्छी तरीके की लाइट है। ये बच्चे बाल बच्चों के लिए भी जो है बहुत शानदार रहते हैं। मैं नरेंद्र रघुवंशी जैसे पत्रकार बन रहा हूँ मैं, कि आप ये बताइए बहुत अच्छी तरीके से, मतलब भाई ये जो है आप सामने से पूरी कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। आप ये बताइए है ना भैया? लाइटिंग व्यवस्था अरे यार लाइट सिर्फ एक ही चीज की कमी लग रही है कि हमारे जो रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए लाइट की व्यवस्था और खंभे में लगनी चाहिए, जिसमें कि खंभों पे लाइट की व्यवस्था अगर हो जाएगी, लाइट की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो जगह जगह और प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा भाई, प्रकाश हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली है भाई धरू भाई ने। मेरे साथ ही कमेंटेटर एक धरू भाई भी है मेरे साथ जो कि यही निवासी है, तो वो बोल रहा है ऐसा कि इस क्षेत्र में जो है बहुत अच्छी तरीके की लाइट व्यवस्था। कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, नरेंद्र मोदी से मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो है इन खंभों पे जो है मेरे पे लाइट से मैं अभी जला के दिखा दूंगा तो हो जाएगी लाइट व्यवस्था, लेकिन अभी फिलहाल में जो है ये लाइट की व्यवस्था नहीं है। हाँ हम निकलते हुए अगर प्रशासन को बोलेंगे तो लाइट व्यवस्था, धर्म भाई ने बिल्कुल सही बताया, एक निवासी हमारे यहीं के हैं वो बोल रहे हैं बिल्कुल कि सही बात है वो बात भी कि लाइट व्यवस्था अगर यहाँ नीचे लगा हुआ है आपने तो यहाँ ऊपर खम्भों में भी होना चाहिए। हाँ भाई खम्भों में अगर अगर लाइट आप व्यवस्था लगा दोगे तो ट्रक अगर आवाजाही हो रही है तो वो एक्सीडेंट से भी बचेंगे, साथ साथ बहुत अच्छा काम रहेगा। अब ये बताइए ये बेचारे नाचीज जानवर, इन्होंने ना जिंदगी में कुछ खाया पिया, इनके खाने पीने की व्यवस्था करवाइए। घर में तो कैलाश विजयवर्गीय अपना मटन सूत रहे हैं, और मटन जी सूत्रने के बाद ये हमारे डॉगियों की व्यवस्था कर रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी सुबह से शाम तक धर्मू भाई 1 करोड़ 1 करोड़ का से भी ज्यादा का खाना खा लेते हैं, लेकिन 5 रुपए कुत्तों को देने में उनको हजम नहीं होता। क्यों चाचा जी सही बात बोल रहे हो ना? एक 5 रुपए का बिस्किट देने में, 1 5 रुपए का बिस्किट देने में मोदी की मोदी को जो है अपने आप को बहुत 30 बार का नहीं समझ सकता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ये बाल बच्चों को भी कुछ देना चाहिए। ये बेचारे जरा जरा से पशुओं ने क्या बिगाड़ा तेरा, क्या बिगाड़ा था है तेरा, क्या बिगाड़ा था है तेरा, जो पशुओं को अनाज नहीं दे पाए, क्या बिगाड़ा है तेरे तूने, जो आटा नहीं चला पाए, क्या मतलब का तू, बेमतलब बेमतलब। चलो अब हो गया दादा भाषा, 5 रुपए का बेचारे को पाले जी नहीं मिल पाया। चलो दादा अब आइए, चलो भाषा वीडियो बहुत अच्छा कर रहा, बनते जा रहा है तो सब अपन यूट्यूब पे डालेंगे हैं, बड़े हैं धर्मू भाई, जो वीडियो सब रिकॉर्ड रहेंगे हैं, सब वीडियो रिकॉर्ड रहेंगे। अच्छा चल रहा है जो वीडियो, 20% बैटरी में अपन स्कोर या बढ़ाते जा रहे हैं, तो दोनों मोबाइल अच्छे हैं अपने हैं, जो इसकी अव्यवस्था को डालेंगे अभी अपन, अभी रुक जाओ 2 मिनट में 32 ही गुल करता हूँ ना भाई मैं, दस मोदी की इसकी बहनी चूत, लाइट व्यवस्था नहीं लगवाई इसने, मारना लाइट व्यवस्था क्यों नहीं लगवाई तू, इसने लाइट व्यवस्था और लगवा देता मान कर लो, पैसे गाड़ी किस बात का दे रहा तू, टैक्स हमसे टैक्स लेता तो हमारी गाड़ियों का भी, पेट्रोल डल रहा है तो ईरान को पैसा नहीं दे रहा क्या हम, क्यों भाई धर्म दादा जी बल्ब भी देखो। हाँ यार लाइट नहीं लगवाए इसकी माँ की, हमारे मोबाइल से हम कितना देखेंगे यार, अपन जरा वहां तक घूम के आएंगे बाईपास का, तो गाड़ी गाड़ी तो अपने गाड़ी खड़ी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, चाबी लिया? हाँ चाबी तो दे। क्या दादा? नहीं यार बड़े यहीं से बना लेते यार अपन तो, अरे ये चल रहा है यहीं बैठ जाओ, बहुत दूर आ गए अपन, नहीं 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 बस यहीं आ जाए, हाँ नहीं नहीं बस यहीं बैठ जाएंगे, अरे तुम तो बैठ जाओ साइड में ही है,
अरे नहीं, नहीं तुम बैठो तो साइड में है, तुम बैठो तो साइड में है ना, दो कदम चलने में और क्या जा रहे? नहीं नहीं सही, तुम तो सही मना लो आज हनुमान भाई, मेरे को जाना भी है यार घर, यार जल्दी जल्दी आओ, नहीं वो तो निकल जाएगी सब, वो तो निकल जाएगी, तुम तो यहीं बैठ जाओ, अब इससे ज्यादा नहीं जा सकते यार अपन, समय से समय की पाबंदी है यार, मेरे को घर पे भी जाना है यार, 5 मिनट तो चल सकता है, पर उधर से जाएंगे ऐसे कहाँ जी अपन जे 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 वाली रास्ते नहीं यहाँ बस यहीं बैठेंगे, वे थोड़े नीचे हो जाएंगे, हाँ तो यहीं अच्छे हैं अपन, यहीं बैठे रहो, बहुत पैर दुख गया यार, वीडियो बनाते बनाते और काम डल रहा है मेरा, कार्तिक चौबे डांसर कहाँ से कहाँ, वो यूट्यूब चैनल डाल ली उसकी माँ की, यहाँ पूरे उसमें लगभग 10-10 घंटे के वीडियो बनाने पड़ते हैं यार, बहुत काम जरूरी है यार मेरे लिए यार, वरना और कोई बात नहीं है यार, ये देखो जी मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें हम निकल रहे हैं, ये हाईवे है, मैं बिल्कुल शांति माहौल में बैठा हुआ हूँ, और शांति माहौल में बैठने के बाद ये जो सामने से हमारे सामने जो आ रही है सब गाड़ियाँ, इनके लिए सिर्फ प्रकार व्यवस्था अगर आप लगा देते नरेंद्र दास मोदी तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता, हमारे यही बोलना है कि आप, हमने अगर सोशल मीडिया कैंपेन आपका किया है तो सोशल मीडिया कैंपेन करने के साथ साथ हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और साथ साथ में बहुत कुछ बनती भी है, हमारे जो नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं रह चुके हैं श्रीमान APJ अब्दुल कलाम साहब, उनके राष्ट्रपति होते होते बहुत अच्छा काम हुआ था, ऐसा ही काम हमको भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ेगा, एक पार्टी अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी को देख सकें तो सबसे बेस्ट पार्टी है, हाँ अगर आप कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस तो बहुत मक्कार पार्टी रही जिंदगी की, जिसने ये हाईवे का निर्माण तक नहीं कर पाई, लेकिन सिवनी मालवा के लिए बहुत अच्छी देन है कि भाई सामने देखे जो उबड़ खाबड़ जमीन थी वो भी अच्छा काम किया, तो मतलब अच्छा काम अगर आप करोगे तो भाई हर चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होती है, या आज रात के लाइट में आपको पूरी आपका कार्तिक चौबे डांसर रिपोर्टर आप बहुत देर से सुन रहे हैं, जिसका बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आप इस हाईवे के मटेरियल को बहुत अच्छी तरीके से निहार रहे हैं, ये इधर जो है बहुत अच्छी तरीके से सिवनी मालवा का स्पॉट दिखाऊं मैं तो बहुत अच्छी तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूं मैं कि भाई ये जो पीछे से वृंदावन मथुरा की बहुत अच्छी कलाकृतियाँ होती है, सेम उसी तरीके से जय माता दी का नारा हम जो बोलते हैं, शीतला माता मंदिर, हमारा शीतला माता मंदिर बहुत अच्छी तरीके से सस्ता संवरता रहता ही है, तो वो उसकी आवाज़ यहीं तक आ रही है, गुंजायमान हो रही है, तो जय माता दी के नारे के साथ कि शेरावाली का आज जगराता है, उसको ऐसा कंप्लेंट दायर की रही है उसकी कि कंप्लेंट